Don't stop. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वक्त हम ज़ोरमीटा हाई स्कूल सांकी में मौजूद हैं और हम यहाँ पर अपने जुनेद को मंसार टाइगर फोर्स के मेम्बर हैं सांकी के, हम उनके पास आए हुए हैं। हम आप तक पैगाम पहुँचाएंगे कि टाइगर फोर्स यूसी सारांकी में किस तरह काम करिए। अस्सलामुअलैकुम जी। जुनेद मंसार, ज़रा आप रहनुमाई फरमा दीजिए कि टाइगर फोर्स किस तरह काम कर रही है पाकिस्तान में और पास यूसी सारांकी में। ये बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर ने करोना रिलीफ कैश प्रोग्राम शुरू किया था उसके हवाले से टाइगर फोर्स को काम दिए गए। टाइगर फोर्स को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया। टाइगर फोर्स का एक तो काम यह है कि जो मस्जिदों में या इज्तिमा वाली जगह है वहाँ SOPs को इम्प्लीमेंटेशन कराना, और दूसरा जो ज़िला बनी हुई है या ये जो गंदम की हो रही थी स्टॉक किया जा रहा था लोगों की तरफ से, उसको रोकना, ये भी एक टाइगर फोर्स को टास्क दिया गया। और जो यूसी सारांकी में टाइगर फोर्स को टास्क दिया गया वो तमाम लोग जिनको कोरोना की वजह से उनकी कंपनीज ने अनएम्प्लॉय कर दिया, कंपनी से निकाल दिया है, या वो लोग जिनके छोटे मोटे कारोबार थे, दुकानें थी, वो कोरोना लॉकडाउन की वजह से उनकी दुकानें 2-3 माह बंद रहेंगी, उनको एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम से कोरोना रिलीफ फंड से इस प्रोग्राम के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर रही है टाइगर फोर्स, और उनको इससे पैसे दिए जाएंगे जो 12,000 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से उनको दिया जाएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पर आपके पास है जो रजिस्ट्रेशन के लिए लोग आते हैं, किस तरह से वो SOPs को फॉलो कर रहे हैं, क्या हिसाब किताब है, मास्क वगैरह? इनको ज़रूरी है कि वो जब हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाने आए वो मास्क और ग्लास पहन के आए, और दूसरा उनके पास अपने ओरिजिनल आईडी कार्ड, और जब वो बैठे हमारे पास तो वो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, जो कि SOPs का एक आम हिस्सा है, जो गवर्नमेंट ने कहा है कि 6 फीट के फासले पर एक दूसरे से बैठना। ये सिर्फ हमारे पास नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये इस चीज़ को फॉलो करवाया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस जो है ये बड़ा ज़रूरी है इस कोरोना के बारे में, क्योंकि सोशल डिस्टेंस से ही इसको रोका जा सकता है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है जनाब। हम तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने गरीब आवाम की मदद के लिए ये जो टाइगर फोर्स बनाई है। इस टाइगर फोर्स की वजह से ही छोटे मोटे इलाके जो हैं वहाँ जाकर भी आवाम की खिदमत हो सकती है। तो जनाब, क्या किस तरीके तक ये टाइगर फोर्स काम करेगी, टाइगर फोर्स कब तक जो है जो गरीब आवाम सिख तक ये रकम पहुँचाएगी? इस हवाले से अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई डेडलाइन नहीं दी गई कि इस डेट तक आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। जब तक हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई डेडलाइन नहीं आती उस तक हम रजिस्ट्रेशन करते रहेंगे, लेकिन AC और DC ऑफिस से ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन है हमें कि ईद तक जितनी मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, हो सकता है इसके बाद जो है वो लॉकडाउन दोबारा किया जाए तो फिर उस सिचुएशन में रजिस्ट्रेशन करना और गैदरिंग करना थोड़ी मुश्किल हो जाए। अच्छा, और एक अहम बात है कि आप सिर्फ एक मुख्तसिस जगह पर बैठ के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या विलेजेस का विजिट करके भी रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहे हैं? नहीं, बेसिकली हमें जो DC ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये है कि ये गवर्नमेंट स्कूल सारांकी को मेन हेड सेंटर बनाया है, लेकिन उसके बाद हमें जो इंस्ट्रक्शंस आई थी वो थी हर टाइगर फोर्स के हर मेम्बर को उसका एरिया दे दिया गया था कि आप अगर लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विजिट नहीं कर सकते सेंटर, मेन सेंटर का, तो उनको उनके घरों में जाकर उनके गाँव में जाकर, इसी तरह मौसम गाँव में लोगों की ड्यूटी है टाइगर फोर्स के मेम्बर्स की, वो अपने अपने एरिया में जाकर लोगों के गाँव में जाकर उनके रजिस्ट्रेशन कर। जी बेहतर होगा जी। दोस्तों, यूसी सारांकी से आपको एक अहम पैगाम दे रहे हैं जुनेद कुमार साहब, हमारे यूथ मेम्बर हैं, टाइगर फोर्स के मेम्बर हैं। तो हमने उनसे जाना कि टाइगर फोर्स यूसी सारांकी में पूरे पाकिस्तान में किस तरह काम कर रही है। उम्मीद करता हूँ आपको भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ये प्रोग्राम पसंद आएगा। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो में जो हम आपको पैगाम देना चाह रहे हैं वो ये है कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने SOPs इस हवाले से दिए हैं उनको फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे गैदरिंग हो वहाँ पे ना जाएं। एक और मैं बात जानना चाहूँगा जनाब से कि अब ईद की नमाज़ भी करीब आ रही है, मतलब
तो ईद की नमाज पे क्या रूल्स होंगे, कैसे ईद की नमाज पढ़नी है? ईद की नमाज के हवाले से भी वही एसओपीज हैं, 6 फीट के फासले पे और सोशल डिस्टेंस रखना है। कोशिश करें कि मास्क और ग्लव्स पहन के नमाज पढ़ने जाएं, और इसी हवाले से टाइगर फोर्स को भी ये टास्क दिए गए हैं कि वो जहाँ पे इनके इस्तेमाल हो रहे हैं उधर जाकर अपनी ड्यूटीज देखें, और लोगों के इस हवाले से सैनिटाइजर भी दिए जाएंगे लोगों को कि वो टास्क फोर्स टाइगर फोर्स को ये भी टास्क दिया गया है कि जहाँ पे ईद के इज्तिमा है वहाँ पर उस बाई अपनी तरफ से सैनिटाइजर लेके जाएंगे, और लोगों को इस हवाले से ये बताएंगे कि आपने कैसे एक दूसरे से फासला रखना है। और इसी वाले से जो इमाम है मसाजिद के उनको भी ये कहा गया है कि कोशिश करें कि अपने मसाजिद से क्लीन धोवा के फर्श को साफ करके वैसे लोगों को नमाज पढ़ाएं। ठीक हो गया है जी दोस्तों, हमें कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है, और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नए वीडियो में।